ये जो है तुम्हारे ये कह रखा ना, ए एन जो है तुम्हारा क्या है, यहाँ पे जो ए एन है कि एन अपॉन टू की पावर एन, जब एन ऑड है और इसको ओपन करोगे तो -1 अपॉन थ्री की पावर एन जब एन इवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, जैसे ऑप्शन देखो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस, तो ये एक सब सीक्वेंस है दूसरा सब सीक्वेंस समझ लो, तो n टेंस टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आएगी और n टेंस टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आएगी, दोनों की जीरो आएगी। तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ एन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो इज आर ट्रू है, MSQ है, तो ऑप्शन ये हो गया तुम्हारा पहला तो ट्रू है। फिर बी में ये ए ऑप्शन था तो ओके है, बी कह रहा है तुमसे कि एन की पावर 1/n, चलो ये देखो मॉड ए एन की पावर 1/n निकालो, तो अलग लगा लो, तो एन की पावर 1/n अपॉन टू जब एन ऑड है और मॉड लगा दिया तो 1/3 जब एन इवन है। अब एन टेंस टू इनफिनिटी लगाओ इस पे, तो बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी एन टेंस टू इनफिनिटी पे। जीरो सर, अरे जीरो कैसे आ जाएगी, जीरो एन नॉर्मल आ की जाएगी। एन की पावर 1/n की क्या आती है लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी पे, वन आती है ना। हाँ तो ये क्या आ जाएगी, तो ये एक 1/2 और एक 1/3, तो 1/2 जब एन ऑड है 1/3 जब एन इवन है, तो बताओ ये वाली जो सीक्वेंस है क्या ये कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो दो अलग अलग लिमिट्स हैं, तो लिमिट तो यूनिक होता है, कन्वर्जेंट होता तो कन्वर्जेंट नहीं है मतलब, तो बी ऑप्शन गलत है। तीसरा बोल रहा है कि सीरीज ए एन जहां एन 1 से इनफिनिटी है, तो इसको मैं दो पार्ट में लिख दूंगा, ए एन जब एन ऑड है और ए एन जब एन इवन है। अब मैं ये पूछ रहा था कि यहां ऑड है तो तुम ए एन लोगे यहां पे एन अपॉन टू की पावर एन, और जब एन इवन है तो -1 अपॉन थ्री की पावर एन, यहाँ ऑड के लिए है ना, तो एन ऑड है यहाँ इवन है और यहाँ ऑड है, तो देखो ये सीरीज कन्वर्स करती है एन अपॉन टू की पावर एन, ये सीरीज कन्वर्स करेगी, करेगी कन्वर्स, क्योंकि ये रेशियो रेशियो टेस्ट जो लगाया तुमने तो इसकी पावर 1/n करोगे लेस देन 1 आ रही है, तो बाय रूट टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जेस, और इवन है तो इसकी पावर भी 1/n करके देखो, या माइनस बाहर कर दो, इसको क्या करना है माइनस बाहर कर दो, ये जो माइनस है इसको प्लस वन करो, यहाँ माइनस लगा दो, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, रूट टेस्ट से ये 1/3 आएगा, तो ठीक है ना, तो दोनों कन्वर्जेंट है तो डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। तो तीसरा ट्रू है, सी ऑप्शन ट्रू है, डी कह रहा है मॉड लगा दिया कोई बात नहीं, तो इसका जब तुम मॉड लगा दोगे तो क्या ही डिफरेंस आएगा, मुझे ये माइनस खत्म हो जाएगा तब भी कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें ए सी डी ट्रू है, हाँ जी लखराज, तो ये कह रहा है कि वाई हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 एंड वेरिएंस 4, ओके। तो नेक्स्ट जो है वाई नॉर्मल है, मीन 1 और वेरिएंस 4 है, डब्ल्यू जो है ई की पावर वाई है, अच्छा तो मतलब ये होता है कि लॉग डब्ल्यू बराबर वाई है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि डब्ल्यू हैज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिलेबस में नहीं ऐसे, तो इसका ये, अरे यार हद हो गया,
फिर से है ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो एक बार देखते हैं, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, इतनी बारिश हो रही है शायद इसलिए। तो अभी जो क्वेश्चन था देखो उसमें क्या कह रहा था, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है इनका कि तो 5 इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल CDF, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से किसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो फाई ऑफ जेड, जेड कब हो जाएगा, तो W 5 माइनस 1 अपॉन 4, वेरिएंस 4 है ना, अच्छा W का तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चेक करो मीन वेरिएंस क्या होता है, तो उससे होगा। है ना, देखो आप जानते हो क्या, फाई जेड जो है ना, फाई जो भी रैंडम वेरिएबल है, CDF ऑफ x एट x जो होता है वो यूनिफॉर्म 0-1 होता है, जो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जिस फॉर्मूले का नाम है। तो फाई एक्स ऑफ एक्स मतलब CDF ऑफ एक्स एट एक्स जो होगा वो यूनिफॉर्म 0-1 होता है। तो यहां तो आपको देखना होगा कि इसमें से जो इनसाइड वेरिएबल है कौन सा वाला स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएगा, तो जो भी इनमें से स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएगा वो आपका यूनिफॉर्म 0-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, W जो था आपका Y014 है ना, तो log W जो है एक्चुअली वो नॉर्मल 04 है, तो log W माइनस 1/2 हो सकता था। तो इसमें चेक करना पड़ेगा है ना, ये प्रूफ करना पड़ेगा इसको। ये थ्योरम है ठीक है ना, ये नॉर्मल के लिए थ्योरम है, तो मुझे थ्योरम लिखाना पड़ेगा तो उससे हो जाएगा, वरना प्रूफ करोगे तो टाइम लगेगा इसमें है ना, क्योंकि आप अगर प्रूफ कर भी सकते हो तो इसमें टाइम लगेगा। हाँ यस यस आप सही कह रहे हो, तो थ्योरम है ना, मतलब ऐसे है ना बहुत सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो बनाते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा अच्छा ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो अभी जब लिखाऊंगा तो ये है ना, पहले लिखा होगा क्योंकि ये लॉग नॉर्मल हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल के टर्म्स में ये पूछ रहा है तो ये ठीक है, क्योंकि तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर आप देख सकते हो। तो इसको मैं अभी है ना एक बार देखता हूँ थ्योरम एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं है, तो इसको मैं देख के आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइम पूछना आप, ये मैं एक बार क्वेश्चन को कर लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, या मैं आपको व्हाट्सअप है ना भेज दूंगा पर्सनली, इसको सॉल्व करता हूँ रात को, क्योंकि देखना पड़ेगा एग्जैक्ट थ्योरम क्या है। ठीक है, किसी का रह गया तो देखता हूँ। हाँ इसमें क्या है, कौन सा वाला, रूट लगा ना सब में, क्या हो जाएगा मॉड एक्स हो जाएगा मोर देन 1/2 से 1/√2 है ना। अब इसको ब्रेक कर दो पार्ट में, नहीं दो ही केस बनेगा, यहां से आएगा मॉड एक्स की वैल्यू 1/2 से 1/√2। अब मॉड एक्स 1/2 से 1/√2 कब होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 से 1/√2, उसमें इंटीग्रेट कर लो। प्लस दूसरा केस जब एक्स नेगेटिव होगा तो देखो नंबर लाइन पे, तो ये बनेगा -1/√2 से -1/2। तो उससे आ जाएगा, तो
दो केस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी का इंटरसेक्शन लगा लो दो केस में, एक में इंटरसेक्शन लगाओ एक्स पॉजिटिव, एक में इंटरसेक्शन लगाओ एक्स नेगेटिव, तो मॉड एक्स एक बार एक्स लिखो, मॉड एक्स एक बार माइनस एक्स लिखो, उससे आ जाएगा। और यहाँ है एक्स यूनिफॉर्म जीरो, यहाँ भी दो केस बना लो, एक में एक्स जब हाफ से ज्यादा होगा और एक में एक्स जब हाफ से कम होगा, है ना। दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, पता है, जैसे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कई बार ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और आई पे समेशन लगा देता हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक ई वन, जैसे 59 में ई वन कंसिडर करो एक्स लेस देन हाफ, ई टू कंसिडर करो एक्स मोर देन हाफ, ठीक। अब हाँ हाँ हाँ, अब क्या करो कि ये ए इवेंट की प्रॉबर्टी निकालनी दोनों क्वेश्चन में, 58 में E1 होगा X more than 0, E2 होगा X less than 0. अब दोनों में क्या करो, PA बराबर PE1 intersection A plus PE2 intersection A. दो केस करो, intersection लिख लो, easily आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि जब X अगर half से कम है, सोचो X half से कम है, तो X and 1 by X में कौन सा छोटा है, X हो जाएगा, उसको हटा के X लिख दो। जब X half से ज्यादा है दूसरे केस में, तो 1 minus X लिख दो, तो उससे हो जाएगा। तो अभी बस आपको ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट जो है, अच्छा ये मनोप्रिया का ये डाउट है, पहले भी आया है एक्चुअली, इसमें कुछ दिक्कत है। आई थिंक इसका जो आता है ये y1 y2 इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर है, एक्चुअली इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, और रूट n y1 माइनस y2 टू टाइम रूट y1 y2। सो अच्छा इसका प्रूफ किसने भेजा था ना, हाँ ठीक है। सो ये गुप्ता कपूर में सॉल्व एग्जांपल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से करना पड़ेगा। सो मनुप्रिया इज हियर, सो यू कैन डू व्हाट, यस यस, सो लाइक z इज दिस and a new random variable we can consider like w is they suggested, I think w is equal to y1 plus y2, okay, so this question is solved in Gupta Kapoor, I think solution was sent in group also by I think Pooja Pandey, sorry Neha Pandey, so she sent, so Gupta Kapoor mein ye solved example hai, so you can check there in chi square distribution topic. So option is A, option is D actually. T distribution with n degree of freedom. So but we have to do long proof for that. Like z is this, w is y1 plus y2, then we can find Jacobian, and then we'll find the joint distribution of z and w using joint distribution of y1, y2. y1, y2 are independent chi square n degree of freedom. So then you have to write the proof, okay? So मतलब they have actually जिसने भी question बनाए हैं, उसने क्या है subjective को objective में बनाया, इसलिए lengthy question है actually। अच्छा और रहेगा क्या? अरे proof देखो इसने tag कर दिया है, so proof is there, you see in WhatsApp group, so there is a proof है ना, you can check in Gupta Kapoor book. Yes. Equals to x if x greater than 0. Yes. And 2 if x less than 0. 2 or minus x? 2. 2. Okay. If x less than 0. Yes. Then how to find expectation of y? It's easy actually. Just y is function of x, right? Y is like gx. So how do you find expectation of gx? What is formula for expectation of gx? Integration gx into fx dx. Yes, fine. So integration gx fx dx. Now you take the limit minus infinity to plus infinity. So we will break this integral into two parts as per the given information of y. So we'll take one limit as minus infinity to 0 and other one 0 to infinity. Fine. And when you are taking 0 to infinity limit, in place of gx you put x. Or minus x, whatever you said, okay. And in when you take limit minus infinity to 0, you take gx as 2. Now it's easy to integrate. Okay, sir.
So try to integrate, otherwise ask in next. Na? So usually we take every day 6 to 7 doubt class, every day, almost every day, except few. So you can discuss, na? In if you are not able to solve, then you can discuss in tomorrow 6 to 7 or any day. Yes. Okay, I think. तो अभी के लिए doubt class, अगर doubt खत्म हो गया तो stop करते हैं. अभी electricity आई नहीं है, तो electricity आती है तो mock test 1, जो full length test 1 है, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम लोग 7 to 9 वाले बैच में, देखते हैं कब होता है. और उसके बाद 9 to 11 में 2023 का PYQ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो जहां वाले लोग भी यस यस ओके सो मॉड ऑफ xn माइनस xn So limit, okay, limit of mod xn minus xn is 0. So question is, so I think you have to find the counter example, right? So we'll first try to find, so means, अच्छा, 1 upon n कर लेंगे, oh, था, 1 upon n ले लो simply, yes. So 1 upon n mod minus 1 upon n goes to 0. So sequence है ना, अच्छा. तो सीक्वेंस है तो वर्क कर जाए, यहाँ तो हो गया, मतलब ये है कि मॉड एक्स एन और एक्स एन की लिमिट इक्वल हो जाएगी, यही ना, क्योंकि जीरो पे जा रही है. सो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ मॉड एन माइनस एन, तो हाँ हाँ, तो मॉड एन एंड एन की लिमिट इक्वल है. तो सोचो ऐसा कोई दो डिफरेंट सीक्वेंस बताओ आप जिसमें मॉड की और खुद की लिमिट अलग अलग आती हो, मिल जाएगा ऐसा एग्जांपल. देखो अरे यहाँ पे इक्वल दे रखा है ना, अच्छा तो इक्वल आ जाती है, तो लिमिट इक्वल आ रही है, मतलब अच्छा कन्वर्जेंट है ना, दोनों की लिमिट इक्वल है. सो xn इज अ कॉची सीक्वेंस, सो कॉची होने के लिए क्या चाहिए, कॉची इज सेम एज कन्वर्जेंट, सो वेदर कैन वी से xn इज कन्वर्जेंट, x plus minus n and both are equal. हाँ, I think होगा, convergent हो जाएगा, because mod n and n has same limit. तो है ना, proof लिख के देखना पड़ेगा. So mod n n has same limit, so it will work. So L is equal to mod L. So in that case, both are equal or negative, zero or positive. So I think it will work. Right? So if you take any example, so it will work. For example, minus 1 ki power n upon n, if you take, still is fine. Theek hai, it will be, it should be, right? So, yes. और रह गया डी, ठीक है, चलो ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जैम वाले बच्चे भी हैं, आप गेट और जैम के पीवाईक्यू सॉल्व करो ईयर वाइज. गेट का जब पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उन टॉपिक्स को इग्नोर करो जो जैम में नहीं है. वो आप कैसे पता चलेगा, तो आप सिलेबस अगर आप देखोगे जैम का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या टॉपिक नहीं है, क्या है, या है ना. तो वो टॉपिक इग्नोर करो और आप डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, स्पेशली गेट में 2019 से 2023 में जो मैथ्स पोर्शन है, क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करो, स्टैट्स वाले भी सॉल्व करो, बस एक्स्ट्रा टॉपिक छोड़ देना, वो पता चल जाएगा, या मुझसे पूछो बता दूंगा ये है. तो आप सॉल्व करो, 2005 से 2018 वाला भी है, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ कहाँ स्टैट्स का क्वेश्चन है. तो उन्हें कल पीडीएफ भेजे थे 2007 to 2018 वाला, तो उसमें देख सकते हो आप. और 19 से 23 जैम का पेपर जो है, सॉरी गेट का पेपर जो है, वो बिल्कुल मैथ्स पोर्शन भी करना है उसमें, स्टैट्स पोर्शन भी करना है आपको, क्योंकि मैथ्स पोर्शन भी वही है जो जैम में है ऑलमोस्ट, ठीक है. चलिए तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एंड अभी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ ग्रुप में, तब तक आप जी 2014 से पहले वाला जो है, हाँ वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं उसमें, हाँ 15 के बाद का कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जस्ट सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टू गेट द नॉलेज कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट जो वहाँ सब्जेक्टिव आए हैं
उन्हीं कॉन्सेप्ट पे यहाँ ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज, अप्रोच क्या है, लाइक उन क्वेश्चंस के क्या अप्रोच है, कैसे सॉल्व होंगे, ये समझना है आपको। ठीक है, चलिए तो अभी आज डाउट क्लास अभी स्टॉप करते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी आती मैं इन्फॉर्म करता हूँ, जब तक आप मॉक टेस्ट वन, फुल लेंथ टेस्ट वन जो है वो देखो और उसमें जो डाउट है वो चेक करो, देन अभी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट।